मैंने आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे और अगर गाड़ी आ रही है कोई पीछे से आ जाए उसमें सामने वाले का क्या दोष? जब ट्रॉली पलटती है तो ट्रैक्टर के ड्राइवर को कुछ नहीं दिखता और उनके घर के आंगन में ट्रैक्टर नीचे देखते गए में उसको डंप कर रहे थे हाइड्रोलिक सिस्टम से। भाई घर के अंदर से बच्चा निकल के आ गया, ट्रैक्टर में सेंसर नहीं होता है। जब वो ट्रॉली पलट रही थी बच्चा वहाँ आ गया, उसकी चपेट में आ गया। Due to his negligence, not one child has died. 3 मार्च से जेल में जी। आपने ऐसे सजेशन क्यों दिए डिफेंस में सर? उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, लास्ट केसेस की रिक्वेस्ट बुलाने अधिकार आ गया। The applicant have been convicted under section 304 of the IPC. Sentence is 2 years or higher. 2 years. काफी इसकी स्टोरी देखने मिला। As per the case of prosecution, it is reflecting from the judgment of the trial court. ये प्रोसिक्यूशन का केस ही ऐसा है कि जिसके घर के बच्चे की डेथ हुई उन्होंने रेप बनवाई थी हमारे ट्रैक्टर से और उनके घर के आंगन में ट्रैक्टर नीचे देखते गए में उसको डंप कर रहे थे हाइड्रोलिक सिस्टम से। भाई घर के अंदर से बच्चा निकल के आ गया, ट्रैक्टर में सेंसर नहीं होता है। जब वो ट्रॉली पलट रही थी बच्चा वहाँ आ गया और उसकी चपेट में आ गया। इनफैक्ट दिस इज नेग्लिजेंट पार्ट ऑफ द फैमिली मेंबर। हम तो ड्राइविंग सीट में बैठ के उसको उनके घर में पलटा रहे थे, ट्रैक्टर चल नहीं रहा था। दिस इज द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, नॉट लाइक डिफेंस। Prosecution is that when you took the tractor in back, reverse. अब उनके घर के आंगन के अंदर ले जाके जब रिवर्स कर उसको हम पलटा रहे थे, डंपिंग हो रही थी, तो यार घर के आंगन से अंदर से कोई छोटा बच्चा आ गया और वो उसकी चपेट में। इनफैक्ट दिस इज नॉट द नेग्लिजेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट। ऐसा नहीं कि कोई रिवर्स एंड नेग्लिजेंट एटीट्यूड से गाड़ी चल रही थी। दिस इज नॉट टू समझ। श्री अजी लगा पहली बार है तो एक बार रिकॉर्ड कॉल करना चाहते हैं हमसे। बट इनका जो कहना है एंड एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, यस लॉर्ड सर, अगर गाड़ी आ रही है कोई पीछे से आ जाए उसमें सामने वाले का क्या दोष? अब खड़े ट्रक में अगर कोई बहुत तेज जा रहा है जाके डैश हो जाए तो ड्राइवर ऑफ ट्रक कैन बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस। 2 years कन्विक्शन है लॉर्ड सर। 3 मार्च का जजमेंट है लॉर्ड सर। 23 मार्च कहना 2 साल सेंटेंस है, 3 लाख से जेल में। उनके हिसाब से सेंटेंस अभी पूरा रेंडर नहीं किया, बस मेरे पे कुछ नहीं कहना। 3 मार्च से जेल में जी। डेट ऑफ जजमेंट है 3 मार्च। आप जेल में कब गए? सेम डे चले गए। हम की आसानी के बाद में सरेंडर किया हमने। इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं रहा। बुला लीजिए अगले बीच रखें तो निश्चित तौर पर ट्रायल कोर्ट में ये बात आती है। श्रीमती गीता गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड हैज बीन रिसीव्ड हर्ड ऑन एडमिशन ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पेरुज्ड प्रामा फेसि दिस रिवीजन सीम्स टू बी आर्ग्यूएबल admitted for final hearing before passing any order on IA number 5824/23. It would be appropriate to call criminal antecedent of the applicant, if any. Therefore, Learned Counsel for the State is directed to produce criminal antecedent of the applicant administratively, if any. His wife is present over there. उसका statement record करने को कोई criminal task नहीं है। पाया जाए तो हमारा order cancel कर दिया जाए। आज आने दीजिए, अगले बीच लगा देता हूँ। नेक्स्ट इलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। उसके परिवार काफी दिनों से जेल में और एक मेरिट पे कोई केस नहीं है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है। खराब नहीं किया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने इसको इतना सरल पाया कि सिंपल इंप्रिजन में इंक्लूड किया है। नॉट रेगुलर। मैं हमारा रिक्वेस्ट मिला तो कोई क्रिमिनल पास नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रिमिनल पास नहीं। Have you read para 15 of the appellate court judgment? Para 15 of the appellate court judgment. Yes. जब भी किसी वाहन को चलाया जाता है, गति और चालक के वाहन को चलाने के तरीके को कब उपेक्षापूर्ण कहा जाएगा, इस परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वाहन तेजी से चलाया जा रहा है वह पूर्णतः नियंत्रण में है। इसमें नहीं कहा जा सकता कि वाहन को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाएगा। ठीक इसके विपरीत यदि वाहन धीमी गति से चल रहा है परंतु उसका चालक उसे नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है, तब भी यह कहा जा सकता है कि वाहन को उपेक्षापूर्ण चलाया गया। जब वाहन अपने साथ किसी भार को लेकर चलता है, भार को अभिकथित स्थान पर उसे खाली करना है, जैसा कि मामले में विजय ने बताया, उस स्थिति में चालक को संपूर्ण सावधानियां बरतना चाहिए। सर डिपेंड करता है व्हीकल टू व्हीकल। जैसे जिन गाड़ियों में सेंसर रहता है उसमें तो दिखता पीछे से गाड़ी, जब ट्रॉली पलटती है तो ट्रैक्टर के ड्राइवर को कुछ नहीं दिखता, दिख ही नहीं सकता। लेकिन आपने अपनी ये पढ़िया ना पैरा 11-12 ये अपने सुझाव आपने जो दिए हैं सेशन कोर्ट में क्रॉस में, उसके आधार पर निष्कर्ष ये कि आपको पता था कि आप ये बालक सचिव इस बिंदु पर यदि फाइनल पाया जाएगा नहीं यदि ग्रंथ फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड बाय द सेशन कोर्ट इन द अपील जजमेंट। तो सर अपीलेट कोर्ट ने तो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का फॉर्म किया है, नहीं इट हैज रिकॉर्डेड द फाइंडिंग फॉर। तो अब फिर 1316 देखो अभिलेख से स्पष्ट है कि चालक के द्वारा सावधानियों को ध्यान नहीं रखा गया, रखी जानी चाहिए। सरकार 20 सावधानियां ऐसा कहना ट्रायल कोर्ट में जज नहीं वाला प्रशिक्षण के केस में अपीलेट कोर्ट में ऐसा कहना कि जो रखना चाहिए नहीं रखा, तो उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या सावधानियां थी जिनको हमने नहीं रखा। ऐसा नहीं है, बहुत ही मतलब राइट फ्रॉम 11 अप टू 60 घर। इसमें भी देखिए आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे, तो घर की लेवल की जवाबदारी थी कि घर की अंदर ट्रैक्टर बढ़ा रहे हैं तो बच्चों पर ध्यान रखना, ऐसे सजेशन क्यों दिए डिफेंस में सर? उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, वो केस तो आपने जो पुटअप कर दिया ट्रायल कोर्ट में वही रहेगा ना। मैं उससे सहमत हूँ आपकी बात से। तो अपना खुद ही पूरा क्या नाम वो कर लिया है, उस प्रोसिक्यूशन को करना होता है। आप ऐसा उससे तो लग रहा है कि आपको पता था कि बालक पीछे खड़ा है, वो नहीं रहा क्या पूछ लिया गया बालक बाल वगैरह श्रेणी पर मस्तिष्क में आए। अरे भैया कंसर्न होता है एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स यार, प्रैक्टिकल यहाँ पर्सनल कुछ काम नहीं सर। एविडेंस एंड रिकॉर्ड अपने को तो उससे चल रहा था, तो इसीलिए ट्रायल कोर्ट में दोनों कोर्ट में उनको एविडेंस ना देकर सिंपल लगा कि हाँ ठीक है आ जाने दो। अगले वीक में क्या नहीं मिला सर, इसका सेंटेंस सस्पेंड हो जाता तो अगले वीक उसके वाइफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना सर। सब्जेक्ट अगले वीक लगा रिक्वेस्ट है सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे घर में कोई है नहीं कर रहा है।